नमस्कार, जय जोहार। का हाल है, मैं आज हाल जानने के लिए मैं पहुंचा हूं बिजली कर्मचारियों के बीच में, उन कर्मचारियों के बीच में जो कि जान जोखिम पर डालकर काम करते हैं। आज इन कर्मचारियों का हाल क्या है, यही जानने की मैं कोशिश करूंगा। दरअसल लगातार जो है ऐसी घटनाएं हो रही है जिसमें कि बिजली कर्मचारियों की मौत हो जा रही है। ये स्थितियाँ क्यों बन रही है? क्या वो खुद लापरवाही बरतते हैं या फिर अधिकारियों की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है? क्या सुरक्षा जो उपाय है उसमें कोई कोताही बरती जा रही है? मैं ज़रा इनसे समझने की कोशिश करूँगा कि ऐसे खतरों भरे जो काम हैं उनके बीच अगर ये काम करते हैं तो फिर इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं। ये बताइए कि आप कितने सालों से जो हैं बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, और ये जो देखते हैं हम घटनाएं एक के बाद एक, कहीं ना कहीं से ऐसी घटनाएं आती है जिसमें कि आपके साथी कर्मचारियों की मौत हो जाती है, ये स्थितियां क्यों बन रही है? ये जनरली देखा जा रहा है कि अभी जितने भी घटनाएं घटी हैं, अभी दो जुलाई से 10 अगस्त तक तीन घटनाएं 40 दिनों में नगर संभाग उत्तर में भी घटी, जिसमें भी तीन एक्सीडेंट हुए, उसमें कर्मचारी तीन बार मरते मरते बचा। और जस्ट अभी कल एक घटना और घटी है जिसमें एक संविदा कर्मचारी लुरमी में वो भी एक्सीडेंट का शिकार हुआ, और जस्ट ये अभी यहाँ पर एक घटना घटी जिसमें एक कर्मचारी की देहांत भी होगा और एक कर्मचारी फिर हॉस्पिटल में लुट है। तो हमेशा देखा जाता जैसे सब स्टेशन मेंटेनेंस यहाँ फिलहाल, तो सब स्टेशन मेंटेनेंस में लगभग रायपुर में स्थिति है कि सब स्टेशन जब मेंटेनेंस किया था तो आधा लाइन को बंद रखा था, आधा लाइन को चालू रखा था, जिसमें क्या होता है कि कर्मचारी ऊपर काम कर रहे हैं चढ़ा हुआ और बाकी कर्मचारी नीचे होते हैं। तो कई बार काम करते ही फिर जो कर्मचारी से कभी धोखा तक ये भी लाइन बंद करके उधर चला तो उससे भी एक्सीडेंट होता है। तो जरूरी हम लोग हमेशा ही कर्मचारियों द्वारा ऑफिसरों को कहा भी गया है कि भी अगर सब स्टेशन मेंटेनेंस हो रहा है तो पूरा लाइन को बंद रखा जाए ताकि कभी किसी से चूक से भी गलती ना हो, लेकिन ये अधिकतर चीज़ें सुधार पर नहीं आ रही। बार बार प्रैक्टिस गलती किसके तरफ से होती है? ये गलती तो दुर्घटनाएं जो होती है, कुछ गलतियां क्या बोलते हैं जो काम कर उससे भी होती है, कुछ गलतियां ऑफिसर्स भी है, लेकिन अभी जो घटनाएं घट रही है उसमें जनरली देखा जाए कि अगर सब स्टेशन की पूरी लाइन ही बंद होती तो शायद ये घटना नहीं घटती। तो ये जो सब स्टेशन की जो लाइन है जो कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए काम के दौरान, मेंटेनेंस के दौरान, तो ये चूक होती है, मतलब कहाँ से हो जाती है? क्या मतलब चालू कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी दी जाती होगी कि नहीं दी जाती? नहीं, जानकारी दी जाती है कि चालू के रूप से जानकारी दिया जाता है, लेकिन चूंकि क्या होता है कि सभी लाइनें आपस में, मतलब ये है कि जो व्यक्ति यहाँ पर काम कर खड़ा होकर सेकेंड लाइन जो चालू से 4 से 5 फीट की दूरी में है, तो संभवतः कई बार ऐसे कि उतरते समय हाथ लग गया, पैर लग गया, कुछ भी घटना घटती वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो जनरली अगर आप काम करें तो सब स्टेशन अगर बंद है तो ये घटनाएं नहीं घटेगी कभी, लेकिन अभी ये मतलब जो मेंटेनेंस का काम कर रहा है वो और जो सब स्टेशन को देख रहा है वहाँ पे तालमेल में गड़बड़ी है? नहीं, तालमेल सही है, लेकिन पूरी फीडर बंद नहीं होने के कारण घटनाएं घटती है। अगर सब स्टेशन से हम कहीं पर भी अगर लाइन में काम कर रहे हैं तो जिस पोल में काम कर रहे हैं वो तो बंद रहता है, उससे अगर आजू बाजू कोई लाइन गया तो उसको बंद कर काम किया जाता है ताकि कोई घटना नहीं घटे। हम इतना बड़ा सब स्टेशन उपकेंद्र, जहाँ तक अभी जानकारी की छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा 33/11 का सब स्टेशन, तो यहाँ पर तो स्वाभाविक बात और ज़्यादा प्रिकॉशन का उपयोग करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रिकॉशन का उपयोग नहीं किया गया, इस कारण ये घटनाएं घटी हैं। और आप बता रहे थे कि एक महीने में, मतलब जुलाई अगस्त में, 2 जुलाई से 10 अगस्त तक 40 दिन में तीन एक्सीडेंट हुआ नगर संभाग उत्तर में, है ना, फिर ये आज की घटना, फिर ये है, तो ये कंटिन्यू घटना घट रही है। अच्छा, ये मतलब हाल क्या रहता है? जैसे कि आप लोग जब काम करते हैं इस दौरान खतरा रहता है, आप लोग जानते हैं, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जो सुरक्षा के उपकरण है कि बिजली से कैसे बचा जा सकता है अगर इस तरह के हालात बने तो उससे कैसे बचा, तो वो सब ट्रेनिंग तो दी जाती होगी या वो जो उपकरण है वो आपको मुहैया नहीं हो पाता? नहीं हो पाता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है किसी लोग में। जैसे आप, पहली बात तो ये है जिस फील्ड में जो कर्मचारी हमारे काम करते हैं वहाँ के ऑफिसर्स को पहले देखना चाहिए कि अलर्ट रहना चाहिए कि वो सारी चीज़ पहने कि नहीं पहने, सबसे फर्स्ट बात है। तो एज ए टीम वर्क में जब होती है, अब यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है ये टीम वर्क में, एक एसटीएम वाली जो सेक्शन है वो अलग मेंटेनेंस के लाई है और यहाँ पर जो एसटी वाली सेक्शन वो अलग मेंटेनेंस, तो इतनी तरह लोग जो आए हैं, सारे लोग जो काम कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस के कारण जब सारे लोग काम कर रहे हो सकता है पूरी डेडलाइन हो सकती करके ओवर कॉन्फिडेंस में काम में कुछ गड़बड़ी कहीं ना कहीं से हुई है। उसके लिए हमारे अधिकारी इस हिसाब से आए थे, जब महासंघ वाले बात किए थे उसमें और बाकी इनके संविदा कर्मचारी संघ वाली बात किए थे, तो उसी हिसाब से बातचीत हुई है। उन्होंने बोला है कि मैं 2 से 3 दिन के अंदर उसकी इंक्वायरी लाऊं। ये सबके पास जो है सुरक्षा उपकरण रहता है कि नहीं रहता है? सबके पास तो रहता है, अगर वो पहन रहता है उसमें देखो सबसे पहले तो हैंड ग्लोव्स रहती है और हेलमेट रहती है, और ये सबसे बड़े तो सर बचाने वाला बात तो आप सब जानते हो, आप तो हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट ये सारी चीज़ें रहती हैं।
और सब जोनों में एक रजिस्टर बनी रहती है जिसमें चेक किया जाता है कि प्रॉपर पहना है कि नहीं पहना करके। तो मैं वो चीज़ कह रहा हूँ ना, पेपर में अगर वर्किंग वर्क में देखे जाए, पेपर वर्क में देखा जाए पहने कि नहीं पहने वो अलग मैटर है, मगर सब तो जहाँ पर फील्ड में काम हो रही है वहाँ पर अपने को देखना है कि पहने कि नहीं पहना है। ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी वहाँ पे मेंटेनेंस अधिकारी प्लस व्यक्तिगत अपने खुद को दोनों तरफ से सोचना है, क्योंकि जान हमारी है। सबसे पहले तो हमको दिमाग क्लिक करना चाहिए, और दूसरी चीज़ वो अधिकारी पर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे टीम को लेकर काम कर रहा है, भाई वो भी उनका परिवार का है। आज लाइनमैन हेल्पर है तो वहाँ का अधिकारी है ना सर, ये टीम वर्क वाला है। अब कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुई है तो उसकी इंक्वायरी आदरणीय पाठक सर जो हमारे चीफ इंजीनियर जो बोले हैं, अब आश्वासन दिए हैं कि मैं 2 दिन के अंदर उसमें डिक्लेयर कर दूंगा। जैसे इंक्वायरी होती है तो उसमें क्या होती है, उसमें कार्रवाई कभी हुई कुछ? हाँ, कार्रवाई अभी अभी जो क्या बोलते हैं 2 जुलाई से 10 अगस्त जो घटनाएं घटी नगर संभाग उत्तर में, तो उसमें जेई और ई पे अधिक कार्रवाई हुई है। लेकिन कार्रवाई तो मतलब एक खाना पूर्ति कह सकते हैं। हमारा प्रबंधन के ये उद्देश्य होना चाहिए कि एक्सीडेंट की घटनाएं ना घटे, या घटे तो कम से कम घटे। लेकिन ये कि जब तक सेफ्टी अप्लायंस का प्रॉपर अगर कर्मचारी उपयोग नहीं करता है, या उसको अधिकारी जब तक प्रॉपर उपयोग नहीं करता, घटनाएं घटती रहेगी और कंटिन्यू होगी, नहीं रुक सकता ये, है ना। कि आज भी जो घटनाएं घटी उसमें भी एक कर्मचारी का देहांत हो गया, एक कर्मचारी जख्मी हो, लेकिन ना कोई हेलमेट पहना हुआ था, ना कोई सेफ्टी बेल्ट था, ना ग्लव्स था, कुछ भी नहीं था। अगर शायद कुछ सेफ्टी अप्लायंस का उपयोग हो तो घटना घटती, लेकिन शायद देहांत नहीं होता। ध्यान तो वो जो क्या है कि फील्ड में कई बार ऑफिसरों से इस बारे में चर्चा हुई है कि क्या बोलते हैं उनको सेफ्टी अप्लायंस के लूप कहते हैं प्रॉपर उपयोग करवाया जाए, लेकिन सेफ्टी अप्लायंस कर्मचारी को दिया जा रहा है लेकिन फील्ड में उसे उपयोग करने के लिए ना प्रेरित किया जाता है, ना क्या बोलते हैं ना दबाव से करवाया जाता है। दबाव से केवल काम करवाया जाता है, ना कि सेफ्टी अप्लायंस का उपयोग। अगर दबाव पर अगर सेफ्टी अप्लायंस का उपयोग करवाया जाए तो शायद ये घटना कम हो जाए, ये घटना ही बंद हो जाए। सेफ्टी अप्लायंस का उपयोग नहीं होने के कारण घटना घट रही है। मतलब अगर सेफ्टी अप्लायंस का उपयोग करें तो मृत्यु नहीं होगी, ये निश्चित है अपने आप में। और यही हम जो है दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जो खतरों के बीच काम करते हैं विद्युत विभाग के कर्मचारी, बिजली विभाग के कर्मचारी, उनका हाल क्या है, वो किन परिस्थितियों के बीच में काम करते हैं। मैं उनसे सबसे जो है बातचीत कर रहा हूँ और उनका हाल जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हाल कैसा है भाई अभी आपका? हमारा हाल मत पूछिए, बहुत बेकार है। काम सामान तो मिलता है, लेकिन जो दस्ताना की बात कर रहे हैं भैया, दस्ताना हमारा LT के लिए रहता है, ST के लिए रहता नहीं। 11 के में दस्ताना काम नहीं करता। अच्छा। तब की स्थिति में क्या करेंगे अपन? कौन सा दस्ताना यूज करेंगे उसमें? तो उसके लिए कुछ 11 केवी के लिए क्या होना चाहिए? 11 केवी के लिए जो भी रहता है अपन पहले जहाँ पे काम करना है उसके पहले जो शॉर्ट डिस्चार्ज करना रहता है वो सब करने के बाद काम करते हैं सुरक्षित होके। उसके बाद काम करके उतरने के बाद लाइन चालू किया जाए। ये नहीं कि आदमी ऊपर काम कर रहा है कि लाइन चालू कर दिया जाए, या आधा दूर उतरा है लाइन चालू कर दिया जाए। और जो अधिकारी 11 KV में कर्मचारी का ज़्यादा कुछ नहीं रहता, वो अधिकारी बैकफिट किधर से करना है, क्या करना है, कहाँ से लाइन चालू है, उसको सब पता रहता है। तो जहाँ काम हो रहा है अधिकारी को वहाँ उपस्थित होना चाहिए। नहीं रहते कई जगह, नहीं रहते कई जगह, रहते हैं कई जगह नहीं रहते हैं। फोन से ही काम करा जाता है। और जहाँ तक कि सेफ्टी अप्लायंस के बारे में बात है, खंभा चढ़ना ठीक है, लेकिन हम लोगों को पेंचिस वगैरह जो दस्ताना वगैरह ये संविदा कर्मचारी को बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहता है। बोलने पे बोल दिया जाता है ये सब लेने का तुम लोगों को अधिकार ही नहीं है, तो किस प्रकार से काम करें? जो है सब लाइनमैन को दिया जाता है। हम लोग केवल खंभा चढ़ना है बोलते हैं, लेकिन प्लायर वगैरह है, दस्ताना वगैरह है, डिस्चार्ज, ये हम लोगों को हमारे लिए अलॉट ही नहीं होता है। सिर्फ रेगुलर स्टाफ के लिए जितने भी सेफ्टी अप्लायंस है ना वो है, सिर्फ संविदा स्टाफ के लिए हेलमेट, और मेरे को तो हेलमेट और टेस्टर बस मिला है। अब बताइए मैं कैसे काम करूंगा? हेलमेट और टेस्टर बस, और कुछ नहीं, नहीं, नहीं। बाकी जितने भी सेफ्टी अप्लायंस है ना वो सब रेगुलर स्टाफ के लिए रहता है। और अभी आप देख लीजिए जितने भी अभी 3 साल में जो दुर्घटना हो रहे हैं उसमें ज्यादातर जो है 100% में 70-80% पूरे संविदा स्टाफ का हुआ है, कोई भी रेगुलर स्टाफ का नहीं हुआ है। रेगुलर स्टाफ चढ़ता ही नहीं है, लाइनमैन असिस्टेंट लाइनमैन है, जाते हैं, लेकिन वो नीचे से बस वही है, सुपरवाइजर का काम करते हैं, वैसे ही कर रहे हैं, उनका काम नहीं है, बस वही है। मतलब आप जो है खतरे में जाइए। हाँ, हम लोग जाएंगे, संविदा स्टाफ का अब लाइसेंस दे दिए तो ये हो गया कि हम लोग पोल में चढ़ेंगे, सब काम करेंगे, पूरे लाइनमैन का काम करेंगे, लेकिन पेमेंट के लिए हम लोग को नहीं, बस 8,000 देंगे पेमेंट, और बढ़ा दिए 5,000-13,000 देंगे, और क्या, 8,000 में जिंदगी और मौत का सौदा। हाँ जी बिल्कुल है? ये जो दुर्घटना हो रही है ये तो पहले से होती आ रही है, इसी के विरोध में अपन आंदोलन किए थे पिछली बार, लेकिन क्या है जो प्रबंधन है हमारा, जो मुख्य मांग था नियमितीकरण, उसको तो किए नहीं, बल्कि बोनस अंक दिए। लेकिन बोनस अंक का तो अपने से बोनस अंक देने से हमारी समस्या ही नहीं पूरी हुई, सुलझी नहीं।
बोनस अंक से हमें कोई मतलब नहीं है। वो तो बात की बात है, पैसे तो बाद में देंगे, आप तो पहले वो सुरक्षा के जो उपकरण है वो सारे नहीं दे रहे हैं। सुरक्षा उपकरण नहीं दे रहे हैं ये बात तो सही है, लेकिन बात ये भी है कि संविदा वाले को दुर्घटना होने पर किसी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी तो मिलती है नहीं, और ऊपर से दोषारोपण उन्हीं के ऊपर कर दिया जाता है। काम के दौरान ऐसी दुर्घटना पे ना तो बीमा है ना कुछ नहीं, बल्कि अभी इफ्को द्वारा 1 लाख का दिया गया है दुर्घटना बीमा, और डेथ होने पर 3 लाख का। लेकिन ये है कि हम लोग काम कर रहे हैं तो खतरों का काम है, दुर्घटना तो होना ही है मानते हैं, लेकिन हम लोग को नियमितीकरण करें डायरेक्ट 3 साल 6 साल, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है हमारे साथ। तो देखिए, मैं जो है विद्युत कर्मचारियों से बातचीत कर रहा हूँ, उनका हाल जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका हाल है क्या। वो बता रहे हैं कि एक तो अधिकारी अपनी तरफ से जो है बातें करते हैं, यानी कि उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। दूसरी चीज़ ये कि जो संविदा कर्मचारी हैं और जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके बीच संविदा कर्मचारियों के ऊपर ज़बरदस्त दबाव रहता है कि वो खतरों के बीच काम करे और उन्हें सुरक्षा उपकरण भी ना मिले। कुछ और लोग हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि असल में जब मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है कहीं पे, तो उस दौरान क्या क्या चीज़ें होती है एक कर्मचारी के पास? सबसे पहले तो सर लाइन बंद कर करके काम कराया जाता है, लेकिन अभी ऐसा परिस्थिति निर्मित हुआ कि बैकफिट जब चालू किए तो ऑयल डालने के लिए वो चेक कर रहा था आराम से, और वहीं पे उसकी बात। मतलब उस दौरान मतलब उनको जानकारी थी कि लाइन चालू है कि नहीं? नहीं, उनको जानकारी नहीं थी। तो ये जानकारी किसके तरफ से दी जानी चाहिए? जानकारी बड़े अधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए जो वहीं पे रहते हैं। और ये नहीं होता है ऐसा? दे दिया जाता है, लेकिन अब लाइन अब कैसे चालू हुआ अब वो तो बड़े अधिकारी और जांच की बात। अच्छा, ये बताइए कि जब वो वहाँ पे काम कर रहे थे मेंटेनेंस के, उसके पास सुरक्षा के क्या क्या उपकरण थे? सुरक्षा तो सर नाम का रहता है, लेकिन काम के समय हम लोग उसका भी नहीं रहता, काम के समय नहीं रहता। जैसे नाम के लिए क्या क्या चीजें रहती है? ग्लव्स रहता है और डिस्चार्ज वगैरह करते हैं लाइन में, बस। लेकिन रहता नहीं है काम के दौरान? काम के दौरान नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? सुरक्षा के दौरान तो उपस्थित था ही नहीं, जैसे कि यहाँ हादसा हुआ है उसमें तो डिस्चार्ज नहीं लगा था। दूसरा बात, जैसे कि वहाँ हादसा हो रहा था तो फिल्टर प्लांट में बैकफिट देने का तैयारी कर रहे थे, तो बैकफिट देने के दौरान उस कर्मचारी को नीचे उतारना था जो कि वो काम नहीं किए, उनको बताया नहीं गया। हाँ, वही बैकफिट को चालू करा दिया, उसी दौरान जो एक एबी स्विच होता है उसमें मेल फीमेल होता है उसी में हादसा हुआ है। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि आप लोगों के साथ ऐसी दुर्घटनाएँ ना हो, आप लोगों को जो है जान जोखिम में ना डालना पड़े, इस दौरान क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले तो जिस लाइन में काम करना है उसको पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि लाइन पूरी तरह से बंद है कि नहीं। आज की जो घटना हुई है वो उसी का शिकार है कि लाइन बंद थी कि नहीं थी, इसकी जानकारी संविदा कर्मचारी को नहीं दिया गया। वो खंभे पे चढ़ के जैसे ही काम करना स्टार्ट किया उसको करंट लगने से मौत हो गई। अगर उनको पहले जानकारी दी जाती कि अभी लाइन बैक फिट करके चालू कर रहे हैं आप उतर जाइए, तो उतर जाता। या फिर जब चढ़ रहा है खंभे में या उनको डिस्चार्ज राड के द्वारा अगर उनको डिस्चार्ज किया जाता लाइन को, तो वहाँ पे लाइन डिस्चार्ज होता तो उनको पता चल जाता कि लाइन चालू है तो काम नहीं करना था। तो ये घोर लापरवाही देखने को मिल रही है हमारे जो भी अधिकारी के द्वारा, और इस लापरवाही में एक हमारे संविदा भाई की ऑन द स्पॉट जान चली गई है और एक का हालत भी बहुत क्रिटिकल है। और हम कई घटनाएं होती कैसे ऐसे कई घटनाएं होती जा रही है, अभी तक 22 घटनाएं हो चुकी थी, 23वां 24वां आज करके 24 हमारे भाई शहीद हो चुके हैं, 22 पहले शहीद हो चुके थे जिसके लिए हम लड़ रहे थे, आंदोलन भी किए थे उसके बाद। 24 कितने साल हो गए? ये 2016 से जो हमारे संविदा कर्मी में जब से हैं 2016 से करीब पाँच साल से 24 लोग की डेथ हो गई है, और अनेकों 100 की संख्या में ऐसे भाई हैं जो घायल हो गए हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि जिनका हाथ पैर भी काटना पड़ा है। लेकिन अभी तक न प्रशासन न हमारे अधिकारी हम पर तरस खाते हैं, न हमारी मांगों पर ध्यान देते हैं, या फिर हम पे कुछ भी चीज़ होती है, घटना घटती है उसका जिम्मेदार हमें बताया जाता है। उस पिता से मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी पूछना चाहेंगे कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। हम अभी तक उनके पापा को फ़ोन तक नहीं कर पाए हैं, किस मुँह से फ़ोन करें, उनके पापा कैसे बताएं कि आपका एक लड़का काम के दौरान घायल हुआ या उसकी मृत्यु हुई है। और अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे अपने आप को इस मामले से हटाने के लिए अपना जो भी कर रहे हैं। और एक भाई आप में से कोई हैं जो कभी कोई हादसे का शिकार हुआ हो, जिनके साथ कोई घटना घटी हो, कोई अनुभव है किसी का? हाँ, किसी का है? मेरे साथ तो सर लगभग 5 से 10 बार करंट से जूझा हूँ मैं, भले ही हल्का फुल्का जूझा हूँ लेकिन जूझा हूँ। ऐसे सभी भाई होंगे लगभग 90% जिनको करंट से सामना करना पड़ता है, भले थोड़ा बहुत हो या ज़्यादा हो। इसी का परिणाम है कि आज एक भाई शहीद हुआ, दूसरा गंभीर स्थिति में
हॉस्पिटल में भर्ती है। किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ जो है घटनाएं होती रहती है। प्रत्येक दिन का काम है सर हमारा, खतरों से खेलना प्रत्येक दिन का काम है, इसीलिए हम लोग नियमितीकरण की मांग रखते आए हैं, भले ही हमारा मांग आज तक पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, जब आप लोग ऐसी घटनाएं होती है घर में, जब बातें जाती होगी, घर वाले क्या सोचते हैं उस दौरान, क्या पूछते हैं? बिल्कुल सोचते हैं, क्योंकि रेगुलर तो जॉब है ही नहीं है, उन लोगों का सीधा सा वही है कि ये सब चीज़ें होना चाहिए, बिल्कुल रेगुलर के लिए होना चाहिए, तो यहाँ का वैसा है ही नहीं है पूरा। को तो डर लगता होगा? बिल्कुल डर लगता है, लेकिन क्या करें, बेरोजगारी भी ऐसी। आपके साथ ही हुआ, कल किसी और किसी का हो सकता है? हाँ बिल्कुल, लगातार वैसे होते रहते हैं। अभी तो ये 23वीं है, आगे पता नहीं और कब तक ऐसे होते रहेंगे, क्योंकि केवल कार्रवाई के नाम पे केवल खाना पूर्ति ही किया जाता है, कोई उचित कार्रवाई होता ही नहीं है, बस यहाँ से वहाँ निलंबित कर देते हैं, फिर वही वापस आ जाते हैं, एक दूसरा मामला शांत हो गया, कोई ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अभी घटना हुआ, कल कुछ आर्डर निकालेगा, दो तीन दिन चलेगा, फिर जैसे तस वैसे हो जाते, वैसी प्रक्रिया चलते रहता है, बार बार घटना होता है, फिर वैसे, तो कोई उचित हल अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है। तो ये देखिए, तमाम जो जितने कर्मचारी हैं, मैं उनका हाल इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि लोगों को पता चलना चाहिए कि दरअसल हम लोग अगर उजाले में रह पाते हैं तो इसके पीछे लोग कौन हैं, इनकी जिम्मेदारी क्या होती है और कैसे इनके घर का ही चिराग जो है बुझ जाता है काम के दौरान ही। तो ऐसे बहुत सारे दर्द समेटे होंगे आप लोगों ने, ऐसी घटनाएं आपके आंखों के सामने ही होती होंगी। हाँ, हमें हमारे साथ ऐसे बहुत ही होता है, और जो होता है, खैर वो दुर्घटना होना ही, हम तो हमेशा खतरों से खेलते हैं, हम तो मानते हैं कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ छोटा मोटा हो चाहे बड़ा दुर्घटना हो होगा ही, लेकिन संविदा में रहते रहते ये सब काम करा रहे हैं, वो ठीक है लाइसेंस दिया हमको ठीक है, लेकिन उसके बाद का जो हमको सुविधा मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है? एक तो अपने को चढ़ना है, लेकिन मिस्त्री के साथ में चढ़ना है, खुद मिस्त्री बन के नहीं चढ़ना है, उसके बाद हमको न अनुकंपा दिया जाता है न कुछ नहीं। आज के डेट में जो भाई का मृत्यु हुआ उसको बोल देगा कि तुम तो संविदा में थे, तुमको अनुकंपा कोई प्रावधान नहीं है, उनके घर वालों का क्या होगा, वो तो वैसे ही बर्बाद हो गए ना, वो सब कभी तो कुछ सुविधा दे बोर्ड। तो ये तमाम जो कर्मचारी जरा उनसे पूछ रहे हैं, देखिए आपके पेंट में आप टेस्टर लेके चल रहे हैं, इससे काम बन जाता है? ये छोटा सा चीज है एलटी में काम करने के लिए, और मतलब हमको मतलब आइडेंटिफाई करना रहता है कि लाइन चालू है बंद है उसके लिए है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक सेफ्टी अप्लायंस के नाम पे आता है, इससे बहुत ज्यादा सुरक्षा नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। और जो ग्लव्स भी प्रोवाइड किया जाता है वो सिर्फ एलटी में काम करने के लिए रहता है, एलटी मतलब छोटी लाइन जो रहती है घरों में जो लाइन जाती है ना उसके लिए काम, 11 के लिए कोई ऐसा ग्लव्स नहीं आता है ना, 11 में सिर्फ डिस्चार्ज किया जाता है, डिस्चार्ज करने से ही होता है। अब यहाँ जो हुआ ना वो घटना है, तो मेरे को वहाँ देखने से पता चल रहा है कि डिस्चार्ज नहीं हुआ है, क्योंकि डिस्चार्ज हुआ रहता तो ऐसी घटनाएं नहीं हुई रहती। ये डिस्चार्ज मतलब मैं उसको थोड़ा और समझाइए, डिस्चार्ज मतलब लाइन को अपन अर्थ से किसी भी तार वगैरह से जो जमीन पे गया रहता है ना, एक एक छोर को उससे शॉर्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, दूसरे से हम मांस वगैरह या फिर जो रहता है अप्लायंस उसे दूसरे छोर से टच कराया जाता है, अगर लाइन चालू रहता है तो उससे जमीन में चले जाता है, चालू रहता है तो तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है, जो सब स्टेशन रहता है ना वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो देखिए मैं बातचीत भी कर रहा हूँ, इनका हाल भी दिखा रहा हूँ, और मैं तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ सब स्टेशन से, एक एक स्टेशन की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे जगहों पे जब इन लोग काम कर रहे होते हैं तो इनके पास वैसी सुरक्षा नहीं होती है जैसे कि ये बता रहे हैं कि होनी चाहिए। समय बदल रहा है, नई तकनीकें आ रही है, आधुनिक तरीके से अब कामकाज हो रहा है, लेकिन जो विद्युत लाइन में काम करने वाले लोग हैं, जो बिजली लाइन में काम करने वाले लोग हैं, उनके पास ना आधुनिक उपकरण है और ना ही ऐसी कोई चीज़ है जिससे कि अगर इस तरह की कोई घटनाएँ घट रही है तो उससे तत्काल बचा जा सकता है। ये तमाम लोग जो कि यहाँ पे हैं कर्मचारी, वो अपना हाल सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। भाई साहब से ज़रा पूछता हूँ, आइए इधर आइए जरूर, कितने सालों से आप हैं और क्या कुछ आपने देखा इस दौरान, क्या अनुभव रहा है? भैया मैं 2 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे को 3 साल होने वाला है अभी, तो अभी तो क्या है अपना सेफ्टी यहाँ काम करने के लिए जरूरी है, और लाइन मेरा दोस्त चढ़ा था वहाँ पर लाइन में काम करने के लिए, बाकि मेन यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर वो लाइन से उतरे नहीं, नीचे उतरे नहीं, फिर तुम बैक फीट में कैसे चालू कर सकते हो, दिक्कत ये है, उसको कम से कम नीचे उतरने का उसका वेट करना था पूरा, फिर नीचे उतरने के बाद जो तुमको लाइन चालू करना है आप लाइन चालू कर सकते हो, इसमें उसके चक्कर में दुर्घटना होगी उसका आज। जैसे एक बिजली कर्मचारी का जीवन जो है
उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब उसका काम जो है, लोगों को लगता है कि यार मेंटेनेंस का काम है, छोटा काम है, लेकिन काम होता है काफी बड़ा, है ना? आप लोग बहुत रिस्की काम है, पूरा जान जोखिम में डालकर हमको पूरा अपना काम करना पड़ता है। दिखने में भले इजी लगता है, बाकी करंट का ऐसा सीन है कि अगर आपको 50 साल का भी एक्सपीरियंस है करंट तो भी आपको लगेगा, और अगर आपको 5 दिन का एक्सपीरियंस तो भी आपको लगेगा। तो इसलिए क्या, बहुत रिस्की काम है, ये वाला डिपार्टमेंट ही बहुत रिस्की डिपार्टमेंट है। और हम देखते हैं कि कभी भी कोई बिजली बंद हो जाए तो फिर तत्काल फ़ोन गनगनाने शुरू हो जाते होंगे, अधिकारियों के फ़ोन आने होते होंगे, इधर के फ़ोन आने, बहुत दबाव रहता होगा। बहुत दबाव रहता है, ऊपर से क्या है, हर कंज्यूमर को क्या है तुरंत ऑन द स्पॉट चालू करके देना पड़ता है लाइन। आदमी लोग क्या है, पब्लिक समझता नहीं है कि कितने रिस्की काम हो रहा है, उसको भी लाइन बनाने में भी टाइम लगता है, इसलिए तुरंत तुरंत फ़ोन आना चालू हो जाता है। इसके चक्कर में क्या है, काम करने का प्रेशर बढ़ जाता है कि जल्दी से जल्दी काम करके हमको देना है, करके कम से कम टाइम में हमको पूरा काम करके देना पड़ता है, कम से कम समय में काम करना पड़ता है। तो हाल बढ़िया है? ठीक है। कैसा है? बेकार है, बेकार है, बेकार है। ऐसी हालत में किसकी हालत ठीक रहेगी? ऐसा तो मतलब अपना भाई खत्म हुआ है। कई ऐसी घटनाएं देखते होंगे आंखों से? हाँ, बहुत सारे देखे हैं, आंखों से देखे हैं, फोटो से आते रहता है। कई भाई अभी समय हम लोग हड़ताल किए हैं, उसमें किसी का हाथ जला है, कोई मृत हो चुके हैं। तो इसी क्या बोले भैया, अभी निःशब्द हूँ भैया, मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि अपना ही भाई शहीद हो गया है, और बहुत अच्छा उसके साथ दोस्ती था मेरा, और सुनकर बहुत दुख लग रहा है मेरे को, है ना। सीधा सीधा ये जितने भी कर्मचारी अधिकारी उसके ऊपर मैं दोष लगाना चाहूँगा, क्योंकि जब ऊपर में कर्मचारी काम हो रहा है तो उसको देखना चाहिए नीचे में, कि अगर इस तरफ लाइन चालू है तो उसको सामने से रहना चाहिए, कि उसको बताना चाहिए कि देखो इधर लाइन चालू है, आपको इधर नहीं आना है। तो वहाँ पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी कोई भी वहाँ पर उपस्थित नहीं था, और जितने भी सब अधिकारी हैं सब के सब अपने बात से पल्ले झाड़ रहे हैं कि हमारे साथ, हम लोग कहीं इधर गए थे कभी उधर गए थे, तो इस तरह से पूरा अपने आप को बचाने की कोशिश करें। तो ये विद्युत कर्मचारियों का हाल है, और सबसे बड़ी जो है विडंबना ये है, दुखद पहलू ये है कि अगर इनको वो सुविधाएं मुहैया हो जाए जो कि इनकी ज़रूरत है, तो शायद ऐसी घटनाओं को घटने से रोका जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो कि बार बार ये संविदा कर्मचारी कह रहे हैं, वो ये कि अधिकारियों का साथ, अधिकारियों की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए वैसी मदद भी नहीं मिल पाती है। और दूसरी बात ये कि रेगुलर कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों के बीच भेद, एक अंतर अभी भी दिखाई पड़ रहा है। का हाल है के ज़रिए जो है मैंने कर्मचारियों का हाल दिखाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि कैसे किन विपरीत परिस्थितियों के बीच में वो काम करते हैं और उनके साथ होता क्या है। ये सिर्फ एक घटना की बात नहीं है, ऐसी कई घटनाएं घटित होती रहती है, और सब कुछ उनके आंखों के सामने होता है। उन्हें सब कुछ जो है अपने आंखों के सामने देखना पड़ता है, खो देना पड़ता है अपनों को। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इनके इन हालात को बदलने के लिए विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है। का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।